अगर तुम्हारे पेरेंट्स लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? मेरे दोस्त, जिंदगी में ये दो डिसीजन हमेशा अपने मर्जी से लेना, एक तुम्हारा करियर, दूसरा तुम्हारा लाइफ पार्टनर। बिकॉज चलो तुमने अरेंज मैरिज कर ली, बट बाद में तुम्हें मे बी फील हुआ कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारी नीड्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, तो किसे ब्लेम करोगे? पेरेंट्स को? वो क्या कहेंगे? चलता है, होता है ऐसे, शादी में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। पर मेरे दोस्त, लाइफ तो तुम्हारी खराब हो रही है ना, मजाक चल रहा है क्या कोई? इट्स द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ कि हुम यू हैव टू चूज एज योर लाइफ पार्टनर, एक ऐसा इंसान जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है। जब घर आओगे तो सबसे पहले उसी को देखोगे। तुम्हारे फाइनेंसेस, करियर, गोल्स, बच्चों की परवरिश, इन सारे टास्क में तुम दोनों का इक्वल इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। क्या वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले पाएगा? क्या वो तुम्हारे लिए एफर्ट्स ले पाएगा? तुम्हें जब नीड हो तो क्या वो हमेशा तुम्हारे लिए खड़े रहेगा? कैसे पता चलेगा? पूछो पेरेंट्स को। 2 दिन में तुम्हारे पेरेंट्स उसे एंड उसके परिवार को देख के ये सब कुछ नहीं बता सकते। इनफैक्ट कोई नहीं बता सकता मेरे दोस्त। टेल दिस टू योर पेरेंट्स कि लव मैरिज कर रहे हो, क्योंकि आगे चलकर एटलीस्ट तुम उन पर ब्लेम ना करो। एंड ये बताओ कि आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम अपने दम पे उठाने के लिए रेडी हो।